ये कहानी टाइम ट्रेवल पर होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत सारे नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे थे। इस जहाज पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी तरह के लोग थे। वो जहाज जैसे ही कुछ दूर जाता है तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें जहाज पर मौजूद 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस की तहकीकात करने के लिए एजेंट डग नाम का एक आदमी आता है जो एक ATF ऑफिसर है। इनका काम होता है शराब, तंबाकू और विस्फोट हुए जैसे केस की तहकीकात करना। डग के यहाँ छानबीन करने पर इसे पता चलता है कि ये विस्फोट जानबूझकर किया गया है, लेकिन किसने और कैसे किया ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी थी उनमें से कुछ के फोन बज रहे थे जो शायद उनके घर वाले कर रहे होंगे, मगर उन्हें क्या पता कि अब वो नहीं रहे। खैर, यहाँ पर जब डग अपना काम कर रहा था तभी इसके पास FBI एजेंट पॉल आता है जो इससे पूछता है कि तुम्हारा सीनियर लैरी कहाँ है। डग पॉल को बताता है कि वो वेकेशन पर गए हुए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। डग अपना काम करने के बाद इन FBI एजेंट को बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया है। डग का काम देखकर पॉल बहुत खुश था। ये डग को इनके साथ मिलकर इस केस पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद डग अपने ऑफिस आकर उस ब्रिज की CCTV फुटेज चेक करता है। इसका साथी इसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फोन आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। डग उस नंबर पर फोन करके वॉइस मेल भेजता है जिसमें ये अपने बारे में बताकर उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। डग को CCTV फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो उस ब्रिज पर खड़ा था, वो भी धमाका होने से कुछ मिनट पहले। डग को उस आदमी पर शक होता है लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डग अपने दूसरे साथी को फोन करता है जिसमें वो बताता है कि इन्हें एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी मिली है। हैरानी की बात यह है कि वो लड़की ब्लास्ट होने से पहले ही जलकर मर गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। डग तुरंत उस लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम क्लेयर है। यहाँ पर डग को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर इस लड़की को जलाकर उस ब्लास्ट होने वाली जगह पर फेंक दिया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद ये क्लेयर के डैड से मिलने पहुँचता है। पूछताछ पर वो बताते हैं कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था लेकिन वो दोनों किसी कारण अलग हो गए। और एक बात, क्लेयर अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी और अभी उसकी गाड़ी घर पर नहीं है। डग के लिए इतनी जानकारी काफी थी। ये इनसे क्लेयर की घर की चाबी लेकर उसके घर पहुंचता है। यहाँ पर डग देखता है कि घर में खून के निशान थे और ऐसा लगता है कि किसी को चोट भी लगी थी जिसका इलाज भी किया गया था। फ्रिज पर यू कैन सेव हर लिखा था जिसका मतलब होता है तुम उसे बचा सकते हो। फिर डग क्लेयर के फोन का वॉइस मेल सुनने लगता है जिसमें क्लेयर के डैड और उसकी सहेली का मैसेज था। डग आखिरी मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो मैसेज इसी का था। इसका मतलब जिस लड़की ने इसको फोन करके इसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। अब डग परेशान होने लगता है कि आखिर क्लेयर ने मरने से पहले इसको क्यों फोन किया था। खैर, ये सब तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद डग FBI के पास आकर जो भी इसने पता लगाया था सब कुछ उन्हें बता देता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी ये अपने पार्टनर लैरी की गाड़ी देखता है। इसे लगता है कि लैरी यहीं पर है। पूछने पर वो इसे बताते हैं कि ये उन लोगों की गाड़ी है जो उस जहाज पर मौजूद थे, यानी कि इसका पार्टनर लैरी भी इस धमाके में मारा गया। ये जानकर डग को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद एजेंट पॉल डग को अपने सीक्रेट जगह पर लेकर आता है। ये डग को बताते हैं कि इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये कहीं भी देख सकते हैं। इनका कनेक्शन सीधे सैटेलाइट से होकर आता है। इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट है। डग बहुत हैरान था कि ऐसा कुछ भी FBI के पास होता है और ये बात इसे अब पता चल रही है। ये पॉल से कहता है कि आप लोग ये पुरानी वीडियो देखना बंद करो और सीधा उस दिन की वीडियो चलाओ जब धमाका हुआ था, जिस पर वो बताते हैं कि बस यही इस प्रोग्राम का वीक पॉइंट है। हम आज से 4 दिन पहले का ही वीडियो देख सकते हैं, वो भी एक बार। ना हम इसे पीछे कर सकते हैं और ना ही आगे, इसलिए हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस बॉम्बर को पकड़ने का। इसलिए वो इन्हें बताए कि कहाँ देखना चाहिए। डग इन लोगों को क्लेयर के घर को देखने को कहता है क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि जिस आदमी ने क्लेयर को जलाकर मारा है हो ना हो वही बॉम्बर है। इसके बाद ये लोग क्लेयर की वीडियो देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर और दीवारों के आर पार भी देखा जा सकता था। ये लोग क्लेयर की वीडियो देख ही रहे होते हैं कि तभी डग को इसके साथी ऑफिसर का फोन आता है जो इस वक्त क्लेयर के घर की छानबीन कर रहा था।
डग उस ऑफिसर से कहता है कि वो बाथरूम में जाकर देखे कि क्या वहाँ पर कोई लड़की ब्रश कर रही है कि नहीं। दरअसल डग को इस टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ये अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करवाता है। मगर वो ऑफिसर इसे बताता है कि इस वक्त घर में सिर्फ हमारे ऑफिसर ही हैं, बाकी कोई नहीं है। वो ऑफिसर डग से पूछता है कि क्या तुम छानबीन करना भूल गए हो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सुनकर डग कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि इसने उस घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक फोन का वॉइस मेल सुनने के लिए भी इसने किसी चीज से फोन का बटन दबाया था। खैर, कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि क्लेयर किसी से गाड़ी बेचने के लिए बात कर रही है, और ये वही बॉमर है जो क्लेयर की गाड़ी चुराना चाहता है, ताकि ये उस गाड़ी में बॉम्ब रखकर उस शिप पर ले जाए, ताकि बाद में जब छानबीन हो तो वो बॉमर पकड़ा ना जाए। अगले दिन जब ये लोग क्लेयर पर नजर रख रहे थे, तभी डग एक लेजर लाइट को स्क्रीन की तरफ करता है, और उस लाइट को क्लेयर भी नोटिस करती है, लेकिन तभी इनका सिस्टम बंद हो जाता है। अब डग ये जान चुका था कि ये वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही, बल्कि बात कुछ और है। ये इन लोगों से सब कुछ बताने को कहता है, अगर इन लोगों ने सच नहीं बताया तो ये इनके साथ काम नहीं करेगा। अब एजेंट पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग इसे सब कुछ बताने लगते हैं। इनका कहना था कि ये कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, बल्कि हम लाइव देख रहे हैं। असल में इन लोगों ने एक टाइम विंडो बना लिया था जिससे ये पास्ट में देख सकते हैं, जिस पर डग कहता कि अगर ऐसा है तो ये पास्ट भी बदल सकते हैं। तब वो इसे बताते हैं कि ये नहीं हो सकता, जो एक बार हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर डग इन्हें समझाता है कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, ये डग को पास्ट में भेज दे, ये वहाँ जाकर बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक सकता है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि वो बॉमर कौन है और वो किस गाड़ी में बॉम्ब लाने वाला है। ये सुनकर वो लोग डग को बताते हैं कि इन्होंने टाइम विंडो का इस्तेमाल करके किसी को पास्ट में भेजा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और वो मारा गया, इसलिए किसी इंसान का समय में पीछे जाना इम्पॉसिबल है। फिर डग कहता है कि अगर ऐसा है तो ये समय में पीछे किसी को फोन मैसेज या कोई लेटर भेजें, इनमें से जो हो सकता है वो करें। तब पॉल कहता है कि हाँ, ये ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को फोन और मैसेज नहीं कर सकते, मगर ये लेटर भेजकर देख सकते हैं। फिर क्या था, ये लेटर में उस बॉमर की डिटेल लिखकर डग को ही पास्ट में भेज देते हैं, लेकिन जब तक वो लेटर पहुंचता तब तक डग वहां से जा चुका था, और अब वो लेटर डग के पार्टनर लैरी को मिलता है। फिर लैरी अकेला ही उस बॉमर को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो बॉमर जिसका नाम माइकल है, वो लैरी को गोली मारकर उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगता है। इस तरफ ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब माइकल इनकी रेंज से दूर जा रहा था, इसलिए इनका सिग्नल भी वीक हो रहा था, मगर डग ऐसा होने नहीं देता। ये इनका स्पेशल डिवाइस पहनकर माइकल का पीछा करने लगता है, जिससे अब ये रेंज में थे। कुछ देर बाद डग माइकल का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंचता है। फिर ये लोग देख पाते हैं कि किस तरह से माइकल ने एजेंट लैरी को जलाकर मार दिया। खैर, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब इन्हें माइकल कहाँ रहता है वो पता है, इसलिए ये लोग किसी तरह माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। डग माइकल से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तब माइकल इसे बताता है कि इसे बदला लेना था US गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने इसे काम नहीं दिया। दरअसल माइकल ने US के हर डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश किया, जैसे आर्मी, नेवी और भी कई जगह, लेकिन हर जगह से इसको निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए उसने इतने सारे ऑफिसर को मारा, और ये आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब सुनकर डग समझ जाता है कि इसकी दिमागी हालत सच में खराब है, और अगर ये बाहर रहा तो सबके लिए खतरा बन सकता है। खैर, FBI एजेंट डग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब इसका काम खत्म हुआ, मगर डग कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसे एक मौका दें ताकि ये उस बॉम्ब धमाके को होने से रोक सके, मगर ये करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो लोग इसे मना कर देते हैं। लेकिन डग हार नहीं मानता, और ये उस जगह के एक ऑफिसर को फोन करके उससे मदद मांगता है, जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसकी बात मानकर जब सभी लोग चले जाते हैं तब उसे बुलाता है। एलेक्स डग को टाइम मशीन के पास लाकर इसको वार्निंग देता है कि ये करने में इसकी जान जा सकती है। तब डग इसे बताता है कि ये इसको हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो लोग इसे बचा सके। एलेक्स बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद डग टाइम मशीन में जाकर टाइम ट्रेवल करके समय में आज से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी तरह इसको बचा लेते हैं। डग होश में आने के बाद सबसे पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है, और आज वही दिन है जब माइकल ब्लास्ट करने वाला है।
यहाँ पर माइकल ने क्लेयर को बंदी बनाकर रखा था। डग यहाँ पहुंचकर माइकल पर हमला करके क्लेयर को बचा लेता है, लेकिन माइकल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डग क्लेयर को समझाता है कि वो आदमी चला गया जिसने तुमको पकड़ा था, लेकिन क्लेयर को लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने इसका किडनैप किया, क्योंकि क्लेयर ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर डग को गोली लगी थी और क्लेयर भी घायल थी, इसलिए डग क्लेयर को इसी के घर लेकर आता है और फ्रिज पर लिखता है कि यू कैन सेव हर, फिर अपने जख्मों की पट्टी करने लगता है। तभी क्लेयर इसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि ये पुलिस बुला रही है, क्योंकि इसे लगता है कि इसी ने इसका किडनैप किया था। डग क्लेयर को बताता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम एजेंट डग है, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे ऑफिस फोन करके पूछ सकती हो। क्लेयर तुरंत डग के ऑफिस में फोन करके इसके हुलिये के बारे में पूछती है। उसके बाद क्लेयर इससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। डग इसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए ये ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्लेयर सच जानना चाहती थी, इसलिए डग इसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर क्लेयर को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी क्लेयर की सहेली का फोन आता है, जिस पर डग उसे पहले ही बता देता है कि वो क्या कहने वाली है। तब जाके क्लेयर को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तभी डग ध्यान देता है कि असल में इसने कुछ नहीं बदला, घर में खून उसी तरह फैला हुआ है और फ्रिज पर इसी ने लिखा था। तभी इसे याद आता है कि इसके साथी ने फोन पर ये क्यों कहा था कि पूरे घर में डग के फिंगरप्रिंट हैं। वो ऐसा इसलिए कि डग ने अभी अभी घर के सामान को छुआ है। अब डग को सारी चीजें समझ में आने लगती है कि इसी के टाइम ट्रेवल करने से इसका पार्टनर लैरी मारा गया। अगर इन्होंने वो लेटर टाइम में पीछे न भेजा होता तो शायद अभी लैरी जिंदा होता। इसका मतलब डग जिस हादसे को रोकने टाइम में पीछे आया है, असल में उस हादसे को होने में यही मदद कर रहा था। और दोस्तों, इसी को कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को मैंने प्रीडेस्टिनेशन मूवी में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, अब डग को सब कुछ समझ में आ चुका था, इसलिए अब ये पास्ट बदल कर रहेगा। ये क्लेयर को लेकर उस जहाज पर पहुंचता है जहां ब्लास्ट होने वाला था, ताकि ये ब्लास्ट होने से पहले माइकल को पकड़ के उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे। ये दोनों उस गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने वाले थे जिसमें बॉम्ब था, लेकिन तभी यहाँ माइकल आकर इन पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई होती है और लास्ट में डग माइकल को मार देता है। लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे थे, इसलिए ये दोनों गाड़ी लेकर पानी में कूद जाते हैं। गाड़ी के अंदर से क्लेयर तो किसी तरह निकल जाती है, लेकिन डग गाड़ी में फंस जाता है और तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डग मारा जाता है। लेकिन उसने मरने से पहले बहुत लोगों की जान बचा ली। क्लेयर को डग की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी यहाँ एजेंट डग क्लेयर से पूछताछ करने के लिए आता है और ये डग प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि जो डग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया वो मारा गया, लेकिन ये डग जिंदा है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लेयर डग को जिंदा देखकर काफी खुश थी, लेकिन ये डग क्लेयर को नहीं जानता। डग इससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब वो इसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। डग कहता है तुम बताकर तो देखो, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी डेजा वू मूवी की कहानी। इसी तरह की और टाइम ट्रेवल वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।